सो हेलो एवरीवन। सो यार टुडे इज़ संडे और आज निकल रहे थे एक राइड पे अमृतसर के लिए, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, दिख रही होगी सड़कें पूरी भीगी हुई हैं। और अब थोड़ा सा यार कहीं कॉफ़ी पीने का मन कर गया था, काफ़ी देर ना 40 किलोमीटर चला लिए थे अप्रॉक्स 45 समथिंग, तो मैं कहा चलो कहीं। और यहाँ पर देखो कितना गंदा कट है, मोड़ने के लिए टर्न कहीं है ही नहीं, ये मैगडी का है रास्ता। और अब कहाँ से निकालूँ, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अभी ओपन हुआ है ये, तो जिनको पता होगा ये पहले ओपन नहीं था। और अब स्टारबक्स भी खुल गया साथ में, बस स्टारबक्स का पता नहीं, हम मैकडी की याद आता है तो मैकडी ही भागते हैं सबसे पहले। और ये अभी यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। और सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, मैं कपड़े भी नहीं लाया कोई, मुझे था कि एक ही रात स्टे करना है तो इसी कपड़े में मैनेज हो जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ पे करेंगे। और फुल गिल्ले हो चुके हैं यार, और यहाँ पे खाना पीना खाएंगे थोड़ी देर, आफ्टर दैट निकलते हैं यहाँ से। और पहले था नहीं वेदर इतना ज़्यादा कि बारिश आनी है, नॉन स्टॉप आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दिख रहा होगा शायद। पूरा गिल्ला हो चुका तुम्हारा भाई, गौर से देखो तो पूरा गिल्ला। थोड़ी देर यहाँ पे ना थोड़ा कुछ कॉफ़ी वगैरह पिएंगे फिर निकलते हैं वापस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इट वर्क्स, बहुत ज़्यादा वैसे मैं पहले मंगलोरगंज जाना था बट कैंसिल करके अमृतसर हो गया, नहीं तो इस टाइम पे कुछ चेंज कर लेते, बहुत ही ज़्यादा भीग गया है। ठीक है चलो। तो बहुत ज़्यादा अपना ऐसे ना गिल्ले होके बैठ गए, और अभी मैकडी आ गया, अपना बस कॉफ़ी पियेंगे, बर्गर फ्राइज खाएंगे और निकलते हैं यहाँ से। ठंडी ठंडी, पहले गाड़ी लानी थी पर दिक्कत नहीं हुई मुझे, था कि शायद क्या कर दी, थोड़ी देर की बारिश होगी, बट अब रिग्रेट हो रहा है। और बस ज़्यादा नहीं, थोड़े गिल्ले ही हुए हैं, फुल करते हैं मैनेज। यार आई डोंट नो वाई बट मैगी का जो फूड है, बर्गर्स, उनके फ्राइज़ और वो पेरी पेरी ऐड करके, सच में यार टेस्ट ना मुँह पे चढ़ा हुआ है, इसलिए हर जगह पहुँच के मैं ही खाते रहते हैं, और बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मैगी अपना बेस्ट है। तो अभी जस्ट नहा धो के लुंगी लग रही है पर है तौलिया, और यार रूम अच्छा मिल गया, अपग्रेड करा लिया था, पहले बुक कुछ और हुआ था बट लेकिन आफ्टर दैट अपडेट करा दिया। नहा के मैं 4 घंटे में बेहोशी की हालत में रहा, पता नहीं क्या, इतनी तबीयत ख़राब थी और नॉन स्टॉप चलाए, नॉन स्टॉप आ रहे थे चलाते, तो बस पिक्चर चल रही है, खाने की प्लेट पड़ी है, जो कुछ ना कुछ खाया है हमने, अभी भी कुछ स्प्रिंग रोल्स वगैरह रखे हैं, मन तो है नहीं। और ये रात का बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, और अब उठाओ मैं, मतलब ना तबीयत बहुत ख़राब थी, और अभी सोच रहा हूँ चाय बनाऊँगा मैं, इन लोगों ने फैसिलिटी दी है हमें, कैटल कहाँ गई, इधर तो थी ये रही, कैटल में बस अभी चाय बनाएंगे और थोड़ा सा फ्रेश फील करता हूँ। बड़ी ना तबीयत सी ऐसी हो गई थी कि मैं नॉन स्टॉप बारिश में मैंने बाइक चलाई है तो उस वजह से बड़ा हो गया था। और होटल बड़ा प्यारा मिला है, जिसको चाहिए होगा मैं लिंक भले ही डाल दूँगा अभी प्रॉपर, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और सीरियसली पहली बार ऐसा हुआ होगा एक होटल के टाइम पे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एसी चलाने की, बट अब चल रहा है, हाँ चल रहा है वो। सो बस, और आज ये ईव चल रही है अपना बेसिक अपना, बिकॉज शायद बाहर आना पसंद था, पहाड़ों पे जाना था, कैंसिल हो गया, बट अब ऐसा है कि ठीक है, जब ना काफ़ी टाइम होता रहता ना इंसान को, चेंजिंग्स आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती रहती हैं, तो चलो कर रहे हैं रास्ता से, चाय वाय बनाता हूँ थोड़ी सी, और रात के अभी बज रहे हैं शायद, कितने बज रहे हैं, फोन कहाँ मिल गया, चार्जिंग मिल गया। सो रात के बज रहे हैं यार 11, तो चलो अपनी फटाफट चाय बनाते हैं और पीते हैं और देखते टेस्ट कैसा है, बस पहली बार बना रहा हूँ चीज़, असली वाली चाय मैंने सिर्फ फ्रेंड्स में पी है, आज पहली बार है। जस्ट अभी उठे हैं यहाँ पे और अब बस संगवाना है पूरा रूम, क्या संगवाना है, थोड़ा कपड़े कपड़े इधर उधर गिरे पड़े हैं, तो बस सुखाने को डाले थे, कल बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तो निकलते हैं यहाँ से। और सामने चल रही है पिक्चर, उठाई था मैं तो जा ही रहा था, मैं कहा चलो गोलमाल आ रही है थोड़ा देख के जाएँ, बाहर का वेदर आई थिंक सो, थोड़ी सी बारिश दिखी है यहाँ पे, बारिश कल से ही हो रही है नॉन स्टॉप, तो बस निकलते हैं यहाँ से यार, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, सामने ना वो टी मेकर की सारी मशीन, मिल्क पाउडर और सारा कुछ रखा है, वहाँ तक भी नहीं जाया जा रहा, तो
कोई बात नहीं, अब किसी को तो कह नहीं सकता कि स्टाफ से कोई आके कर दे। और ये सबसे बड़ी बात है, अकेला है इस कमरे में पूरा। तो बस उठते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं अमृतसर के लिए, सॉरी अमृतसर नहीं जलंधर के लिए। और बस जाएंगे घर, देखो बेसिक। चलो फिर बाय साहब, निकलते हैं यहाँ से और खाएंगे कुछ कुलचे वगैरह। मैंने ना कभी कोई ऑथेंटिक कुलचा नहीं खाया अमृतसर का, अगर देखो आज मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। वेल देन चलो भाई, चाय तो खुद उठ के आ जा, मैं तो नहीं आ पा रहा। चले यार निकलते हैं।